जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित ज्योग्राफी के 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। एग्जाम के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर कर लें। तो चलिए आज आपका पार्ट वन चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रश्नों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा था। याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जामनगर में स्थित है। ये जामनगर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तीसरा प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए ये प्रश्न CSBC द्वारा अभी तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। राज्य पूछे तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मेट्टूर बांध, याद रखना है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। आगे देखिए, एस्किमो का घर क्या कहलाता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो एस्किमो का घर क्या कहलाता है? यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, एस्किमो का घर इग्लू कहलाता है। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे, प्रथम भारतीय उपग्रह को कब छोड़ा गया था? तो डेट याद कर लीजिए, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट, और इसे छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाली स्थान कहते हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोला जाता है? तो जनसंख्या घनत्व। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है, याद रखिएगा। और न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो कश्मीर घाटी जो है, ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो याद कर लीजिए, पीर पंजाल और वृहद हिमालय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, हिमालय पर्वत की बात करें तो पूछा जाता है, याद रखिएगा, वलित पर्वत। हिमालय पर्वत
वलित पर्वत के उदाहरण है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबसे आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है कोसी नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चलिए नौ के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। याद रखना है चिकनी मिट्टी में कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। रेगुर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, ध्यान रखना है। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग एग्जाम तक इस चैनल के सारे वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजमार्ग। याद कर लीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए और इसको याद कर लेना है। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो सही आंसर है पश्चिमी घाट। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अरावली पहाड़ी की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। आगे देखिए कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर बताएंगे कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों कुलगाड़ी और कालगुरली ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है सोना। आगे देखिए भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? ये प्रश्न मद्निशा सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है, पिछले बार ही पूछा गया था 16 अक्टूबर को। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अपना बिहार है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल है और गन्ना उत्पादन में पूछे तो उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अनाई मुड़ी ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर के बारे में अभी हमने आपको बताया, ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। और देखिए ये जो दोदा बेटा है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। तो इन सभी फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? चले दोस्तों 15 के लिए आंसर बताइए। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए डल झील। ये खारे पानी की झील है
जबकि वूलर झील ये मीठे पानी की झील है और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और सेशन को आपको अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा में। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर कीजिए। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डियागो गार्सिया में। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है डियागो गार्सिया में। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? ये है औद्योगिक क्षेत्र और ये है देश। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, ओसाका कहाँ पर है? तो जापान में है, बिल्कुल सही है। लंका शायर कहाँ है? ये ब्रिटेन में है, ये भी सही है। सेलम भारत में है, ये भी सही है। लेकिन बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये ब्रिटेन में है। बर्मिंघम कहाँ है? ब्रिटेन में है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा, ये मेल नहीं है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये मुख्य रूप से होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में पूछे सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। महिला साक्षरता प्रतिशत और पुरुष साक्षरता प्रतिशत, ये दोनों अधिक है केरल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है केरल में। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यहाँ पे 21 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। अब देखिए, सन की बात करें तो सन जो है ये गैसों का एक गोला है और उसमें मुख्य रूप से दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हमारा सन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? चलिए आंसर कीजिए, बिहार के कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है लखीसराय में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मार्क करेंगे। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चंबल परियोजना का हिस्सा है, याद रखेंगे। कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए, भारत में लिंगानुपात और बिहार में दोनों याद रखना है। भारत में लिंगानुपात 943 और बिहार की बात करें तो 918। दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
उपसौर की स्थिति कब बनती है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए, उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है और 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है, दोनों याद रखना है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा सीमा है? देखिए भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें अधिक जो सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ, कितना? तो लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग में बता रहे हैं, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए, महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा बुशमैन जो है ये पाया जाता है कहाँ, तो कालाहारी मरुस्थल। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कालाहारी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है? चलिए आंसर कीजिए, कितने डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को? तो 29 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है, और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती। रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए, रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा याद रखिएगा, ये धौलाधार श्रेणी में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? चलिए फटाफट से 32 के लिए आंसर कीजिए, और दोस्तों आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास कीजिए, और अगर आप लोग क्लास टाइमिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्लास का टाइमिंग लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है काराकोरम दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। आप लोग कमेंट करके बताइए सिपकिला दर्रा कहाँ है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन कौन सा चैनल अलग करता है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो याद रखिएगा ग्रैंड चैनल। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एक प्रश्नों का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, इंडोनेशिया की राजधानी। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन इसकी राजधानी जो है चेंज किया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ होगी, हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो आंसर जरूर कीजिए। हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? चलिए फटाफट से 34 के लिए आंसर कीजिए, और देखिए अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास करना है या टॉपिक वाइज या फिर लुसेंट बुक से
क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल पर डेली सुबह 10 बजे से क्लास चलती है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है, याद रखिएगा शिवालिक। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न बताते हैं, सभी को आपको रट लेना है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पूछे कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम। ये 2 प्रश्न हो गया, और सबसे न्यूनतम वन पूछे तो याद रखिएगा हरियाणा। तो फिलहाल आंसर है बी ऑप्शन, हरियाणा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, गिरनार की पहाड़ियाँ, और आपने सुना होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो जहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर है गिरनार की पहाड़ियाँ। तो अब बताइए आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, गुजरात में स्थित है। नील द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है, तो दोस्तों नील द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है क्या, तो शहीद द्वीप। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है। चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चलिए 39 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है, यानी कि दक्षिणी अंडमान में। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैडल पीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये क्या है, माउंट थुलियर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सैडल पीक नहीं होगा क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी लोग अभी सेशन को वॉच कर रहे हैं फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार दिल से जरूर लाइक कर दें। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, हिंदी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है दक्षिणी बिंदु से, और अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं, अगर आपसे मुख्य भूमि का पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये है मुख्य भूमि, और इसका दक्षिणतम बिंदु है ये, और इसका नाम है कैप कोमोरिन। क्या नाम है, कैप कोमोरिन। और अगर से पूछे कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में स्थित है, नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है, और मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ये कैप कोमोरिन है। तो फिलहाल यहाँ पे पश्चिमी बिंदु पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे इंदिरा कौल ये उत्तरी बिंदु है, और किबीतू की बात करें तो ये पूर्वी बिंदु है, याद रखेंगे, और इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है ये होता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, हिमछादन के द्वारा। आगे देखिए, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है, चलिए दोस्तों 43 के लिए आंसर बताइए, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है।
भारत की समुद्र तल से औसत ऊंचाई किस स्थान से मापी जाती है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत की समुद्र तल से औसत ऊंचाई किस स्थान से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, चेन्नई तट से। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई तट। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। और दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में मद्य से सिपाही में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो तीन प्रश्न याद रखने हैं, वन्य जीव संरक्षण 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और पर्यावरण संरक्षण 1986। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लीची उत्पादन, गन्ना उत्पादन और सोयाबीन उत्पादन। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है मध्य प्रदेश, लीची में बिहार और गन्ना में उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे लेकिन आपको बताना है देश में, तो देश में है ब्राज़ील। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है, याद रखिएगा, ये चाइना है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, चाय की जो खेती होती है सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो देखिए, जैसे कि ये अर्थ है, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा, तो इसके बीच का क्षेत्र ये क्या है आपको बताना है। और बीचों बीच है इक्वेटर, तो बीच जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है, याद कर लीजिए, उष्ण कटिबंध। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, उष्ण कटिबंध। और भारत हमारा कहाँ पर है? तो इस जगह भारत है हमारा। और कर्क रेखा ये जो है भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है फसल चक्र, इसे भी याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है फसल चक्र। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? चलिए 50 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो याद रखिएगा, शुष्क मिट्टी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, शुष्क मिट्टी। और भारत में पूछे सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का। और शुष्क मिट्टी की बात करें तो ये जो शुष्क मिट्टी है इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है? चलिए 51 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनस जो है बोरी बंदर है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है और अभी नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है केरल। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और केरल में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है, लगभग 94% के आसपास। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया अरावली पर्वत श्रेणी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय जो है ये नवीनतम है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को बोला जाता है शिवालिक। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, शिवालिक।
एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा पादप घास। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, घास का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को जरूर शेयर कीजिए, और कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, पार्ट 2।